A very good morning to students and my dear friends. I am Himanshu. Today we are studying class 9th, chapter 2 from NCERT book. Name of the chapter is Polynomials. बेटा इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th की चैप्टर 2 NCERT की बुक से अप टू 2.3 एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज रिमाइंडर थ्योरम. और बेटा हम जो आज पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, फैक्टर थ्योरम. अगेन आई एम स्पीकिंग, टुडे वी आर स्टडिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज फैक्टर थ्योरम. सो बेटा बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक आई जस्ट वॉन्ट टू से फ्यू लाइन्स फॉर यू, सो जस्ट फोकस. पत्थर में बस एक कमी होती है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी खूबी है कि वह बदलता नहीं है. अगेन आई एम स्पीकिंग माई लाइन्स. पत्थर में बस एक कमी होती है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी खूबी है कि वह बदलता नहीं है. बेटा मैं इन लाइन्स को जोड़ना चाहूँगा कि बेटा पत्थर की तरह ही आपके जीवन में एक होता है मकसद, जिसको हम बोलते हैं आवर एम. हमारा एम भी कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए उस पत्थर की तरह. वी शुड फोकस ऑन आवर एम. हमारे जीवन में कितनी मुश्किलें आएँ, कितनी परेशानियाँ आएँ, बट हमको क्या करना है, अपना एम कभी चेंज नहीं करना है. हमको अपने हमको हमारे एम पे फोकस रखना है और हमको हमारा काम डेली करते हुए रहना है, सो डैट वी कैन अचीव आवर गोल्स. हम कभी ना कभी हमारे गोल को अचीव करेंगे. ओके बेटा, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर टॉपिक एंड आवर टॉपिक इज़ व्हाट, फैक्टर थ्योरम. तो बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फैक्टर थ्योरम समझाता हूँ 2-3 मिनट लेके, उसके बाद फिर हम हमारा मेन टॉपिक है जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं वो हम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड, वी आर स्टडिंग फैक्टर थ्योरम. सो बेटा प्लीज़ फोकस ऑन द बोर्ड. फैक्टर थ्योरम पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि हमने 2.3 में क्या पढ़ा था. 2.3 में बेटा हमने पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम. बेटा रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, और अगर हम उसको डिवाइड करें किसी दूसरे पॉलिनोमियल से जी एक्स से, लेकिन जी एक्स के अंदर खास बात क्या होनी चाहिए, डैट जी एक्स शुड बी लीनियर. डैट मीन्स जी एक्स की जो डिग्री है बेटा, डिग्री क्या होनी चाहिए, 1. तो बेटा हम रिमाइंडर कैसे निकालते थे, तब मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ाया था, पहले वाली वीडियो में, कि हम क्या करते थे, हमको जिसका रिमाइंडर निकालना है हम क्या करते थे, उसको पुट करते थे इक्वल्स टू 0. वहाँ से हम क्या निकालते थे, वेरिएबल की वैल्यू. x है तो x, y है तो y, t है तो t, जो भी है हम उसकी वैल्यू निकालते थे. सेकेंडली जो वैल्यू हमने निकाली फिर हम उस वैल्यू को पुट करते थे हमको जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है उसके अंदर. अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, हमको जो हमने अभी जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, हमने क्या करना है, जो हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली वो हम कहाँ पुट करेंगे, पी एक्स के अंदर. और वहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर निकलता था वो क्या कहलाता था, हमारा रिमाइंडर. क्लियर है? तो हमको क्या करना है, हमको रिमाइंडर थ्योरम को कोरिलेट करना है फैक्टर थ्योरम से. कि बेटा जब हम छोटी क्लासेस में थे तब हम एक चीज़ पढ़ते थे कि बेटा अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता था तो बेटा हम क्या बोलते थे, इट्स अ फैक्टर, कि बेटा ये फैक्टर है. और बेटा अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो बेटा हम क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अ फैक्टर, ये हमारा फैक्टर नहीं है. बेटा ये कैसे, सुनो ध्यान से, आपको मैं ये प्रूव करके दिखाता हूँ विद एन एग्जांपल. हम नंबर्स लेते हैं थोड़े से, ध्यान दो बेटा. अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर एक नंबर मेरे पास है 12, अगर मैं 12 को डिवाइड करूँ किससे बेटा, 5 से. और बेटा मेरे पास एक नंबर है 12, अगर उसको मैं डिवाइड करूँ बेटा किससे, 6 से. तो मुझे चेक करना है क्या 5 एक फैक्टर है किसका, 12 का, या 6 एक फैक्टर है किसका, 12 का. देखो बेटा मैं कैसे चेक करूँगा, मैंने डिवाइड किया किसको, 12 को किससे, 5 से. 5 2 10, रिमाइंडर इज व्हाट, 2. अगर बेटा मैं डिवाइड करूँ किसको, 12 को किससे बेटा, 6 से, तो बेटा 6 2 12, एंड रिमाइंडर इज व्हाट, 0. तो बेटा मेरा कंसेप्ट क्या है कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 आया तो वो फैक्टर है, और अगर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो मेरा फैक्टर नहीं है. तो बेटा मैं क्या बोलूँगा, इसमें मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये फैक्टर नहीं है, इसमें मेरा रिमाइंडर 0 है तो ये फैक्टर है. आया बात समझ में आपको?
तो दिस इज व्हाट फैक्टर थ्योरम। तो बेटा फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करने से पहले हमको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, और रिमाइंडर निकालने के बाद हम ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि वो फैक्टर है या नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर स्टडिंग आवर एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। सो यू जस्ट टेक आउट योर एनसीईआरटी बुक्स। सो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्स प्लस वन आ फैक्टर। बेटा हमको क्या करना है, दिए गए जो दो पार्ट्स हैं हमको ये चेक करना है कि एक्स प्लस वन दिए गए दोनों पार्ट्स में से किसका फैक्टर है। तो बेटा हमारा मकसद है पहली बात तो क्या निकालना, रिमाइंडर। अगर हमारा रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो आया तो फैक्टर यस, और अगर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया डैट मीन्स हमारा फैक्टर नो। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि आपको पहले बात तो ये ध्यान देना है कि आपको फैक्टर कौन सा चेक करना है। हमको फैक्टर चेक करना है x प्लस वन। तो बेटा हम क्या करेंगे, पुट x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हम निकालेंगे वेरिएबल की वैल्यू, चेक करो कितना आ गया, ये किसका है प्लस, ये सड़ा के माइनस। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, फर्स्ट पॉइंट में हम क्या निकालेंगे, वेरिएबल की वैल्यू। सेकेंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू को पुट करेंगे किसके अंदर, दिए गए पॉलिनोमियल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम क्या मानेंगे बेटा, पी एक्स। क्या माना हमने, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फिर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आई थी हमारे पास वेरिएबल की क्या आई थी बेटा, माइनस वन। हम क्या करेंगे, एक्सिस के क्या रख देंगे, माइनस वन, माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन की पावर टू, माइनस वन प्लस वन। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या ध्यान दिया, माइनस की पावर ओड, माइनस वन का क्यूब वन, माइनस की पावर इवन प्लस वन का स्क्वायर वन। क्लियर है, प्लस इनटू माइनस, माइनस प्लस वन। ध्यान देंगे सभी, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, वन से वन कट, वन से वन कट, हमारा आंसर क्या आया, ज़ीरो। और मैंने आपको क्या समझाया था, इफ़ रिमाइंडर इज ज़ीरो देन इट्स आ फैक्टर, तो ये फैक्टर होगा। आई बात समझ में सभी को, आई एम गिविंग यू 30 seconds, जस्ट प्रॉपरली फोकस, ध्यान से चेक करो आपको समझ में आया, क्योंकि इसी टॉपिक पे पूरी एक्सरसाइज है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो आप पूरी एक्सरसाइज अच्छे से बना सकते हो, आपके आगे आपकी आज वाली वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको स्टेप वाइज समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम डूइंग सेकेंड पार्ट, सो यू जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड व्हाट वी आर डूइंग इन द सेम वे। फर्स्ट पॉइंट इज सेम, हम क्या करेंगे, पुट एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, व्हाट वी गेट, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। और हम क्या करेंगे फिर, लेट हमको जो पॉलिनोमियल दिया है हम उसको क्या मानेंगे, पी एक्स, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर टू, एक्स प्लस वन। इसके बाद जो वेरिएबल की वैल्यू आई थी क्या आई थी, माइनस वन, पुट कर दो, माइनस वन की पावर फोर, माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन की पावर टू, माइनस वन प्लस वन। क्लियर है सभी को, अभी हमने जो यूज़ किया था वही लगाएंगे, माइनस की पावर इवन प्लस वन की पावर फोर वन, प्लस माइनस की पावर ओड माइनस वन का क्यूब वन। क्लियर है, माइनस की पावर इवन प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा, वन, प्लस इंटू माइनस, माइनस वन, साथ में क्या है, प्लस वन। सोल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस, आगे क्या है, प्लस माइनस प्लस, वन से वन कट, वन से वन कट, क्या बचा, वन। हमने क्या बोला था, इफ़ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, देन इट्स नॉट अ फैक्टर, ये हमारा फैक्टर नहीं है। आई बात समझ में सभी को, क्लियर है, समझ में आया सभी को। सो दीज आर द फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 विच वी हैव डन ऑन द बोर्ड। सो नाउ वी आर डूइंग थर्ड पार्ट, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड, लुक ऑन द बोर्ड बेटा। दीज आर द नेक्स्ट टू पार्ट्स, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हैं। मैं आप सभी को 30 सेकंड्स दे रहा हूँ,
आप सभी पार्ट नंबर थर्ड ट्राई करेंगे अभी अपनी अपनी रफ कॉपी के अंदर. आई एम गिविंग यू 30 seconds, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो आई होप आप सभी ने क्वेश्चन ट्राई किया होगा. बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप है. हम क्या करेंगे, लेट एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, वेरिएबल की वैल्यू क्या आई, माइनस वन. आफ्टर डैट वी विल पुट व्हाट, लेट पी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, हमारे वेरिएबल को क्या मानेंगे, पी एक्स. आए बस वन में सभी को. नेक्स्ट है बेटा, हमने जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी हम क्या करेंगे, उसको वेरिएबल के अंदर क्या कर देंगे, पुट. चेक करो p माइनस वन, सभी ध्यान देंगे, माइनस वन की पावर फोर प्लस थ्री, माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री, माइनस वन की पावर टू प्लस माइनस वन प्लस वन. क्लियर है, सभी ध्यान देंगे, माइनस की पावर इवन प्लस वन की पावर फोर वन प्लस थ्री इन टू, माइनस की पावर ओड माइनस वन का क्यूब वन. क्लियर है, सभी ध्यान दो, थ्री इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन, प्लस इंटू माइनस, माइनस वन प्लस वन. क्लियर है, सोल्व करेंगे सभी, प्लस इंटू माइनस, माइनस थ्री वन जा थ्री, प्लस इंटू प्लस, प्लस थ्री वन जा थ्री, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस थ्री प्लस थ्री, क्या बचा वन. तो हम क्या बोलेंगे, इफ रिमाइंडर इज नॉट जीरो, इट्स नॉट अ फैक्टर, ये हमारा फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं है. क्लियर सभी को. इन द सेम वे वी आर डूइंग फोर्थ पार्ट. हम क्या बोलेंगे बेटा, लेट पी एक्स, हमारा गिवन पॉलीनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू. इन द सेम वे हमारी पहले तीन पार्ट्स में वैल्यू क्या आई थी, माइनस वन. तो हम यहाँ भी क्या पुट करेंगे, पी ऑफ माइनस वन, सभी ध्यान देंगे, माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन की पावर टू माइनस टाइम्स टू प्लस रूट एक्स. यहाँ ध्यान देना है आपको, ये क्या है, माइनस वन, प्लस में क्या है, रूट टू. अभी जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, सारी कैलकुलेशन इसी स्टेप पर होने वाली है. ध्यान दो सभी, माइनस की पावर ओड माइनस वन का क्यूब वन. क्लियर, माइनस, माइनस के ऊपर इवन प्लस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन. क्लियर है, ध्यान दो सभी, माइनस इंटू माइनस प्लस टू वन जा टू. क्लियर, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस रूट टू वन जा रूट टू. क्लियर है, अगेन आई एम रिपीटिंग, माइनस इंटू माइनस प्लस टू वन जा टू. क्लियर है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस रूट टू वन जा रूट टू. क्लियर, साथ में क्या है, प्लस रूट टू. आया बस वन में, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, साथ में क्या है, टू. रूट टू रूट टू, रूट टू कितनी बार है, दो बार, तो हम क्या लिख सकते हैं, टू रूट टू. क्लियर है, माइनस टू प्लस टू कट, क्या बचा, टू रूट टू. तो हम क्या बोलेंगे, इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू जीरो देन इट्स नॉट अ फैक्टर, ये हमारा फैक्टर नहीं है. आया बस समझ में सभी को, क्लियर है, समझ में आ गया. तो अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आता है तो यस, और अगर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता है देन इट मीन्स नो. क्लियर है सभी को, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ ध्यान देना है, सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस हैं. कैलकुलेशन में मिस्टेक की तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है. क्लियर है सभी को, आई बात समझ में सभी को. सो यू जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड, कि बोर्ड पे क्या चल रहा है, उसमें हम कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, आपको अपने मिस्टेक्स को वहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ एक ही चीज़
कामयाब होती है, और उसको हम बोलते हैं व्हाट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी गलतियां कम होंगी। एक ही क्वेश्चन को चार बार करने से कोई ये नहीं बोलेगा आपको कि आपने वो चार बार रिवाइज क्यों किया। चार बार रिवाइज करोगे तो वो क्वेश्चन आपका परफेक्टली सेट हो जाएगा दिमाग के अंदर कि कहाँ गलती कर रहे थे, वो गलती हो जाएगी रिमूव एंड आपका क्वेश्चन हो जाएगा ठीक। क्लियर है? सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर टू, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। सो बेटा फोकस ऑन द बोर्ड, द क्वेश्चन टू इज ऑन द बोर्ड। जस्ट सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। यूज फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। हमको क्या करना है बेटा, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और हमको ये बताना है कि जी एक्स जो है वो एक फैक्टर है या नहीं, किसका, पी एक्स का। तो बेटा जो हमने अभी क्वेश्चन किया था फर्स्ट, बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो बेटा हमने उसमें क्या किया था, हमको जो फैक्टर चेक करना है हम बेटा उसको क्या पुट कर रहे थे, जीरो। तो बेटा क्या पुट करेंगे, पुट एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। हमने क्या पुट कर दिया, एक्स प्लस वन को इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वेरिएबल की वैल्यू, प्लस का इसे हटा के माइनस का। क्लियर है? सेकंड स्टेप हम क्या करते थे, हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू आई उसको हम पुट करते थे किसके अंदर, दिए गए पॉलिनोमियल के अंदर, और हमको क्या गिवन है, पी एक्स। तो हम क्या निकालेंगे, पी ऑफ माइनस वन, चेक करेंगे सभी, टू इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन साथ में माइनस वन। क्लियर सभी को, जहाँ एक्स था वहाँ माइनस वन, जहाँ एक्स था वहाँ माइनस वन, जहाँ एक्स था वहाँ माइनस वन। क्लियर है? इसके बाद सिर्फ सोल्व करना है, ध्यान दो, माइनस के ऊपर ओड, माइनस वन का क्यूब वन। क्लियर? माइनस के ऊपर इवन प्लस वन का स्क्वायर वन। क्लियर? माइनस इंटू माइनस प्लस टू वन जा टू माइनस वन, प्लस इंटू माइनस माइनस टू वन जा टू प्लस वन माइनस प्लस टू माइनस वन। टू से टू कट, वन से वन कट, रिमाइंडर क्या आया, जीरो। सो इफ रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो इट्स आ फैक्टर, तो ये फैक्टर होगा क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आया है बेटा, जीरो। आया बस अन में सभी को, क्लियर है? आई होप यू ऑल गॉट इट वेरी वेल। सो बेटा जस्ट एज वी ट्राइड पार्ट नंबर वन, द पार्ट नंबर टू इज ऑल्सो सेम। जैसे कि हमने पार्ट नंबर वन ट्राई किया था वैसे ही हमारा पार्ट नंबर टू है। तो मैं आप सभी को 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, आप अपना हाथ चलाओ और अपना आंसर निकालो कि आपका आंसर यस आता है या नो। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, आपने कुछ ना कुछ तो अपना हाथ चलाया होगा। सो हमारा बेटा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पुट करते हैं हमारे जी एक्स को क्या इक्वल्स टू जीरो। बेटा हमको फैक्टर कौन सा चेक करना है, एक्स प्लस टू। तो बेटा हम क्या करेंगे, पुट एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। हमारा एक्स किसका था, प्लस इस हटा के माइनस। क्लियर है? तो हमारा एक्स कितना आ गया, माइनस टू। तो बेटा हम अब क्या निकालेंगे, पी ऑफ माइनस टू, मीन्स जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप क्या पुट कर दो, माइनस का टू। क्लियर है सभी को, जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, माइनस टू। चेक करते हैं, माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू। क्लियर है? अभी मैंने आपको क्या बताया था, माइनस के ऊपर ओड, माइनस टू का क्यूब एट, प्लस थ्री इंटू माइनस के ऊपर इवन, प्लस टू का स्क्वायर फोर। क्लियर है? प्लस इंटू माइनस, माइनस थ्री टू जा सिक्स प्लस वन। सोल्व करते हैं, माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस वन, ऐड करेंगे सभी, माइनस का सिक्स माइनस का एट माइनस का फोर्टीन,
प्लस का 12, प्लस का 1, प्लस का 13, 14 में से 13 गया 1, बड़ा कौन है? माइनस। तो हम क्या बोलेंगे, इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, हम क्या बोलेंगे, इट्स नॉट अ फैक्टर, ये हमारा फैक्टर नहीं है। ओके बेटा, सो यू कैन मैच, आपने जो निकाला था और हमने जो किया, आई थिंक आप सभी का मैच हो गया होगा। इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, आई बस समझ में, सभी को समझ में आ रही है। अब आप सभी के लिए मैथ के क्वेश्चन के अलावा एक अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ आप सभी को। सो जस्ट लिसन माई लाइन्स, और आपके इन लाइन्स के अंदर आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है? एटलीस्ट ट्राई करना है, ट्राई करने में किसी का क्या जाता है। ओके, सो जस्ट फोकस। आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी भी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का मजा ही क्या, जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है। अगेन आई एम स्पीकिंग माय लाइंस। आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी भी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का मजा ही क्या, जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है। तो आप सभी को ये बताना है, इन लाइनों में हम कमी से क्या समझते हैं हमारे आज के माहौल को देखकर। आई एम गिविंग यू 5 to 10 seconds, जस्ट थिंक ऑफ इट। आई थिंक यहाँ पे जो कमी की बात की गई है, आज के टाइम में सबसे बड़ी कमी कौन सी है? हमारी आज़ादी। हमारी क्या आज़ादी? मीन्स कि हम बाहर घर से निकलकर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हम वैसे नहीं घूम सकते जैसे कि हम पहले घूम सकते थे। तो बेटा, हमारे जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई कमी होती है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसके साथ हमें अपनी ज़िंदगी को कोरिलेट करना चाहिए कि उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उस कमी के साथ हम क्या बेहतर कर सकते हैं कि हम अपने एम से या अपने जीवन में हमने जो सोचा है वो हम अचीव कर पाएं। सो प्लीज़ स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली, डू योर स्टडी रेगुलरली एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनी फालतू थिंग्स। ओके, सो नाउ जस्ट फोकस, वी आर डूइंग थर्ड पार्ट दैट कम्स ऑन द बोर्ड, दिस इज द पार्ट नंबर 3। अगेन आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन इन योर रफ नोटबुक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा। सो जस्ट फोकस, बट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x माइनस 3 को इक्वल्स टू 0। तो बेटा हमारे यहाँ से x इक्वल क्या निकल के आई, 3। आई बस वन में, अब हम क्या निकालेंगे, पी ऑफ 3। कैसे? जहाँ जहाँ x है हम आगे रखना है 3। चेक करो, 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। क्लियर है? 3 का क्यूब 27 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 और 3 9। क्लियर है? 27 और 9 हाउ मच, 36। 9 4 जा 36, ये क्या हो गया, कट। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। सो इफ रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, इट्स अ फैक्टर, कि हमको जो जी एक्स दिया गया है वो फैक्टर है किसका, पी एक्स का। आई बात समझ में सभी को, इजी है? सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टू क्वेश्चंस। हमने हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी आर डूइंग अवर थर्ड क्वेश्चन, जो कि अप्लीकेशन है किसकी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आने वाला है वो अप्लीकेशन है हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड की, कि जो हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है उसको हम अप्लाई करेंगे कुछ
निकालने के लिए जो भी आपके बोर्ड पे आने वाला है. सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. सो बेटा दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड विच वी आर डूइंग राइट नाउ. तो बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच केस. मतलब क्या बेटा कि हमारा जो फैक्टर हमको गिवन है कौन सा गिवन है, एक्स माइनस वन. और बेटा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चनों में क्या पढ़ा था, अगर हमारा फैक्टर होता था तो हमारा रिमाइंडर क्या आता था, जीरो. तो बेटा हमको क्या करना है, एक्स माइनस वन को पुट करना है इक्वल्स टू जीरो. वहाँ से हमारा एक क्या आएगी, वेब वेरिएबल की वैल्यू. डेट मीन्स हमको क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू के लिए क्या निकालना है, रिमाइंडर. और हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए, क्योंकि एक्स माइनस वन क्या है, फैक्टर है. आया बस हमें, क्योंकि अगर हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, जीरो. जो कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझाया था, अगर मैं 12 को डिवाइड कर रहा था 6 से तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा था, जीरो. क्योंकि 6 क्या है, एक फैक्टर, किसका, 12 का. आया बस हमें, अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर जीरो आता है. हम उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. हम क्या करेंगे, पुट x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू क्या आई, x इक्वल्स टू वन. क्लियर है, यहाँ प्लस का उछड़ जाके माइनस. एज x माइनस वन इज अ फैक्टर, क्योंकि x माइनस वन क्या है, एक फैक्टर है. डैट मीन्स x की वैल्यू कितनी थी, वन. हमारी x की वैल्यू 1 के लिए जो p ऑफ 1 है वो क्या होना चाहिए, 0. क्योंकि x माइनस वन क्या है, एक फैक्टर है. क्लियर. तो हम क्या निकालेंगे, p ऑफ 1. हमारा ध्यान दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 1. रखते हुए चलो हम क्या करेंगे, चेक करो, 1 का स्क्वायर प्लस साथ में क्या रखेंगे, 1 प्लस k इक्वल्स टू 0. 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0. 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारा k कितना आया, माइनस 2. सो दिस इज माई आंसर. तो हमने जो फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, हमने उस फैक्टर थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई किया. क्लियर है. इन द सेम वे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. हमको क्या करना है, पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो बेटा हमारे यहाँ से x कितना आया, 1. हम क्या लिखेंगे, एज x माइनस 1 इज अ फैक्टर, क्योंकि x माइनस 1 एक फैक्टर है तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0. और हम रिमाइंडर कैसे निकालते थे, जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 1. तो हम क्या निकालेंगे, p ऑफ 1, एंड दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल्स टू 0. कैसे, चेक करो, जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 1 रखना है. 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0. ईजी है, 2 इंटू 1 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0. 2 वन जा 2 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0. सभी ध्यान दो, एक इसका है प्लस उछड़ जाके माइनस, एक इसका है प्लस उछड़ जाके माइनस. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अवर आंसर. समझ में सभी को, क्लियर है. तो ये थी हमारी फैक्टर थ्योरम की एप्लीकेशन. क्या निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. एक हमको वेरिएबल गिवन था के, हमको उसकी वैल्यू निकालनी थी कि बेसिकली एक गिवन पॉलिनोमियल फैक्टर होगा तो हमारी के की वैल्यू क्या आएगी. क्लियर है. सो देर आर टू पार्ट्स रिमेनिंग. सो वी आर डूइंग लास्ट टू पार्ट्स. ओके, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. दीज आर द लास्ट टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड. आई एम गिविंग यू अगेन 30 सेकेंड्स टू जस्ट प्रैक्टिस पार्ट नंबर फोर्थ. आप सभी को पार्ट नंबर फोर्थ ट्राई करना है 30 सेकेंड्स के अंदर. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. So I just hope you have tried part number 4th.
आप मैच कर लेना, जब मैं पार्ट नंबर फोर्थ करूँगा, नाउ फर्स्ट आई एम डूइंग पार्ट नंबर थर्ड। ध्यान दो, हमारा फैक्टर क्या है, x माइनस वन पुट किया इक्वल्स टू जीरो, एक्स कितना आया हमारा वन। सो व्हाट यू हैव टू डू, x माइनस वन इज अ फैक्टर, क्योंकि x माइनस वन एक फैक्टर है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, पी ऑफ वन, और उसको हम क्या पुट कर दें, इक्वल्स टू जीरो, जो कि हम पहले दो पार्ट्स में कर चुके हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ध्यान दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, हमको वन रखना है, क्लियर है, और उसको क्या पुट कर देना, इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है। वन का स्क्वायर क्या होगा, वन प्लस इंटू माइनस, माइनस का रूट टू, प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, के वन जा के, आई वन में एक इसका है माइनस, उस साइड जाके प्लस, एक इसका है प्लस, उस साइड जाके माइनस, आई वन में दिस इज द आंसर, क्लियर है। इन द सेम वे वी आर डूइंग पार्ट नंबर फोर्थ, हम क्या करेंगे, पुट किसको, गिवन फैक्टर को, इक्वल्स टू जीरो, हमारा एक्स क्या आया वन, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एज एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, क्योंकि एक्स माइनस वन एक फैक्टर है, तो हमारा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, पुट p ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो, कैसे, जहाँ x है वहाँ वन रखना है, रख दो, k इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री वन जा प्लस k इक्वल्स टू जीरो, वन का स्क्वायर वन, k वन जा k माइनस थ्री प्लस k इक्वल्स टू जीरो, k और k कितनी बार हो गया, दो बार, एक इसका है प्लस, सॉरी माइनस, उस साइड जाके प्लस, क्लियर है। तो एस के वैल्यू क्या आ गई, टू कहाँ था ऊपर, टू कहाँ आ गया नीचे, क्लियर है। तो के वैल्यू क्या आ गई, थ्री बाय टू, क्लियर है सभी को। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो बेटा हमने 2.4 के तीन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, आए बस अंत में सभी को, वी हैव कंप्लीटेड थ्री क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज नंबर 2.4। So before we conclude our this video, I want to say again a few lines for you. So you just focus. आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, आप लाइनों को ध्यान से सुनिए। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। Again I'm repeating my lines. जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। विद दिस लाइन्स आई जस्ट वॉन्ट टू से, आपको अपनी आवाज़ में हमेशा मिठास रखना चाहिए, आपकी आवाज़ हमेशा अच्छी होनी चाहिए, आपके वचन हमेशा शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि आवाज़ ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को दुश्मन बना सकती है, और आवाज़ ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को दोस्त बना सकती है। और इन शब्दों में परिवार का मतलब सिर्फ फैमिली रिलेशन नहीं है, परिवार स्कूल भी परिवार होता है, फ्रेंड्स भी एक परिवार होता है, माता पिता भी एक परिवार होता है। अगर आप सभी के साथ अच्छे से बोलोगे, अच्छे से रहोगे, तो आपका परिवार बहुत बड़ा रहेगा, अदरवाइज़ योर फैमिली विल बी अ स्मॉल। आप एक घर में रह जाओगे, आपका फैमिली एक बिल्कुल छोटी सी फैमिली बन जाएगी। सो प्लीज़ माइंड माई वर्ड्स, Be soft while you're talking. अपने माता पिता से, भाई बहन से, टीचर से, फ्रेंड से, सभी को प्यार से बोला करो, अच्छे से बोला करो, आपको इज्जत ज़रूर मिलेगी। वो कहते हैं ना, इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। गुड माई वर्ड्स सन्माया सभी को। सो आफ्टर दिस ब्यूटिफुल लाइन्स आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू सम वर्क, मुझे आपको एक थोड़ा सा काम देना है। आप सभी ने क्वेश्चंस तो बड़े ध्यान से देखे होंगे, आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक स्पेशल टास्क दे रहा हूँ। आपने क्या ध्यान दिया होगा कि जब मैंने आपको 30 सेकंड्स के लिए क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने नीचे नीचे एक रिंगटोन चलाई थी, एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग चलाया था। तो आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को वापस रिवाइंड करना है, आपको वो चार या पाँच इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग दोबारा सुनने हैं, और आपको मुझे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि वो सॉन्ग
कौन सा है जिसकी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग चल रहा है। गॉट इट? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये बताना है कि जो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग चल रहे थे वो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग किस सॉन्ग के हैं। आया बस समझ में? इससे दो फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ये ध्यान रहेगा कि सर एंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपका ध्यान प्रॉपरली वीडियो पे रहेगा, आपकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी और आपका आईक्यू लेवल भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन से आईक्यू लेवल बनता है। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती छोड़ते हो बिकॉज आपका कंसंट्रेशन वीक होता है। क्लियर है? तो आप सभी क्या करोगे, अभी वीडियो को रिवाइंड करोगे, बीच में जाओगे, जहाँ जहाँ इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग चले थे उनको दोबारा सुनोगे और ट्राई करोगे कोरिलेट करना कि आपने वो सॉन्ग पहले कहाँ सुने हैं, उसकी कौन सी थीम है, वो कहाँ चल रहा है, कौन सी मूवी का सॉन्ग है, और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्लियर है? आया बस समझ सभी को? सो आई होप आप सभी एक बार ट्राई करोगे ज़रूर सुनने का। सो विद दिस लाइन्स आई जस्ट वॉन्ट टू से, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड एट लास्ट अगेन आई एम सेइंग स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।